कांग्रेस को जो भी मतदार वोट डालना चाहते हैं तो यह बात दिमाग में रख लो, वो जीतेगा, जीत के करेगा क्या, वो सीधा जाएगा बीजेपी के गोद में। जो भी कांग्रेस के नेता, उनको शर्म आना चाहिए। हम ठहरेंगे, रेवु नायक बेड़मगी को हराने का हमारा मकसद है। कांग्रेस पार्टी कभी भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया है। रेवु नायक बेड़मगी को एक ऐसा हम सबक सिखाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में सुअर सोते हैं आज, गवर्नमेंट स्कूल में कुत्ते सोते हैं। गवर्नमेंट स्कूल बोले तो वो जुआ का अड्डा है, पिवटों का अड्डा हो गया। महिलाओं के लिए शौचालय नहीं, पूरे महिलाएं बाहर जाना पड़ता है एक बार शौचालय के लिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। सभी दृश्य माध्यम के लोगों को मेरा नमस्कार। हम आम आदमी पार्टी से, मैं डॉक्टर राघवेंद्र चिंचन सूर, मेरे साथ में हमारे अध्यक्ष श्री अशोक मलकपगोड़ सर और हमारे प्रधान कार्यदर्शी विट्ठल माका सर, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष परमेश्वर मत्तिमूड सर और हमारे कार्यदर्शी आनंद बिलगुंदी, हमारे युवा मोर्चा के कार्यदर्शी श्रीशैल शिंदे। ये आज हमारा विषय क्या है बोले तो, कांग्रेस के जो नेता है स्पेशली कलबुर्गी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, कांग्रेस के लोग एक बड़ा अपप्रचार में शामिल हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में जो वो अफवाहें लोगों में फैलाने का जो काम चालू किया है उसको हम खंडन करते हैं। क्या है बोले तो, हम आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के साथ हम मिले हैं, कांग्रेस के साथ हम समझौता किए हैं, और ऐसा अफवाह है कि राघवेंद्र चिंचनसूर प्रचार को नहीं जाते हैं इस बार इलेक्शन के टाइम पे। क्यों बोले तो, कांग्रेस के जो हाईकमांड है वो हाईकमांड मुझे बुला के, यानी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को बुला के बात की है कि हम कहीं प्रचार को नहीं जाएंगे, ऐसा माहौल फैलाएंगे आम आदमी पार्टी वाले कि रेवु नायक बेड़मगी साहब जीतने के लिए हम हेल्प करेंगे। ये पूरे जो कंफ्यूजन है, जो भी कांग्रेस के नेता, उनको शर्म आना चाहिए कि मेरा नाम बोल के जब भी वो दलित के ओणी में जाते हैं, दलित कॉलोनी में जाके मेरा नाम बोल के हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो वोटर्स हैं, जो मुझ पे विश्वास रखे हैं, मेरे नाम बोल के वो बोलते हैं कि ये चुनावी मैदान से हट जाएगा, कि आज 24 तारीख है कि मैं मेरा नॉमिनेशन पेपर वापस ले जाऊंगा आज, नहीं तो जब 25 तारीख आएगा तो मैं चुनाव में नहीं ठहरूंगा, कि आप उनके गांव को नहीं जाऊंगा। ऐसा जो भी अफवाहें फैलाते हैं वो अफवाहें पूरे बेबुनियाद है, उसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है कि मैं चुनावी मैदान से हटूंगा। मैं हाथ जोड़ के कलबुर्गी ग्रामीण मत क्षेत्र के लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि मैं मैदान में हूं, कोई भी मेरा कांग्रेस के साथ समझौता नहीं है। कांग्रेस के साथ हम उनके विरोध में हम चुनाव लड़ेंगे, हम ठहरेंगे, रेवु नायक बेड़मगी को हराने का हमारा मकसद है। रेवु नायक बेड़मगी को एक ऐसा हम सबक सिखाएंगे जी कि जो उनके टीम के जो 4-5 दलित लीडर हैं, जो गांव-गांव को जाते हैं और अंबेडकर के स्टैचू के सामने ठहर के जो झूठी बात बता रहे हैं, हम उनको बोलना चाहते हैं कि जो गांव को आप जा रहे हैं, हम वो गांव को 2-3 बार जा चुके हैं, हम प्रचार हुआ है और अगले 10-15 दिन में हम प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे, आपका जो अपप्रचार है वो कहीं भी नहीं चलेगा। रेवु नायक बेड़मगी को हराने का हमारा मकसद है, हम हराएंगे। दूसरी बात, रेवु नायक बेड़मगी को हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपका डेवलपमेंट क्या है, आपका 20 साल का पावर पॉलिटिक्स में आप थे, पावर पॉलिटिक्स में बोले तो आप सत्ता में 20 साल थे, 4 बार एमएलए है, 2 बार मिनिस्टर है, क्या डेवलपमेंट आपसे हुआ है? टोटली 0 डेवलपमेंट है। आपका डेवलपमेंट
अगर 20 साल में आप सही भी पब्लिक वेलफेयर में आप सोचे बोले तो आपको आज के दिन गुलबर्गा ग्रामीण मत क्षेत्र में कोई भी गांव में पानी पीने के लिए नहीं है। 100-100, 500 गड़ाएं आप देखते हैं, पॉट्स पानी लेके जाने के लिए किलोमीटर तक पैदल जाके पानी लेके आके पीने का नौबत ग्रामीण मत क्षेत्र में है। आपका डेवलपमेंट क्या है? महिलाओं के लिए शौचालय नहीं, पूरे महिलाएं बाहर जाना पड़ता है एक बार शौचालय के लिए। 20 साल में खाली एक टॉयलेट सा आपका फैसिलिटी देने के लिए आपको नहीं हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में सुअर सोते हैं आज, गवर्नमेंट स्कूल में कुत्ते सोते हैं। गवर्नमेंट स्कूल बोले तो वो जुआ का अड्डा है, पिवटों का अड्डा हो गया है। आपको क्या एजुकेशन के बारे में मालूम है? आप लोगों के साथ एक धोखाबाज करने वाला शासक आप है। 20 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अब आप चुन के आए बोले तो ये बार भी आपका आखिरी चुनाव है, आप कुछ काम करने वाले नहीं है। ये आखिरी चुनाव बोले तो क्या, जो भी आता लपट के घर को ले जाने का चुनाव आपका है। आपका कुछ काम करने का इरादा नहीं है इस चुनाव में। आप लोगों को झूठी बात बोल के लोगों का हाथ पैर पकड़ना, लोगों का पैर पड़ना और वो पैर पड़ के सिंपति लेके खाली जीतना जाना, इतना आपका 20 साल का जो तजुर्बा है वो खाली पैर पड़ना जीतना, पैर पड़ना जीतना उतना ही है, उससे छोड़ के कुछ भी नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं कि 2014 इलेक्शंस में क्या करें आप ना कांग्रेसी है, आप ना बीजेपी है, ना आप जनता दल वाले हैं। आप कौन है? आपका वजूद क्या है? कौन से पार्टी का आइडियोलॉजी से आप बिलोंग करते हैं? कौन सा सिद्धांत है आपके पास? क्या आप कांग्रेसी है? क्या कांग्रेसी नहीं है आप? आप 6 महीने हुआ कांग्रेस को आके, आपका कांग्रेस का सिद्धांत है आपके पास? अच्छा छोड़ो, बीजेपी का सिद्धांत है क्या? बीजेपी को छोड़ के आप आए? जनता दल का सिद्धांत आपके पास? सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत नहीं है आपके पास। 2014 में ये जो आपके पीछे फिर रहे ना लोग, इनको मैं लीडर्स को बोलना चाहता हूं, 2014 में खड़गे साहब को हराएंगे बोल के पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमे सो यही रेवना एक बड़मगी है। 2014 में खड़गे साहब आपका दुश्मन था, खड़गे साहब को हराना बोल के आप एक बड़ा कैंपेन आप चलाए। अब बोले तो खड़गे साहब का नाम लेने का, खड़गे साहब ही हमारा भगवान है, खड़गे साहब ही हमको जिताने वाले हैं, ये सब बोल के आप पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं। 2014 के इलेक्शन पूरे लोग 2014 के इलेक्शन एक बार आपके दिमाग में आना चाहिए। और मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूँ, रेवु नायक बड़मगी, अगर आप ग्रामीण मत क्षेत्र के लोग रेवु नायक बड़मगी साहब को वोट डाले तो अगर मैंडेट नहीं आया, क्लियर मैंडेट नहीं आया तो रेवु नायक बड़मगी पहला आदमी होगा कि वो बीजेपी को सेल हो जाएगा। कांग्रेस को जो भी मतदार वोट डालना चाहते हैं तो यह बात दिमाग में रख लो, अगर आप कांग्रेस को वोट डालें, रेवु नायक बड़मगी को वोट डालें तो क्या होगा नेक्स्ट? वो जीतेगा, आप दलित भाइयों को वोट लेके जीतेगा, मुस्लिम भाइयों को वोट लेके जीतेगा और पिछड़े लोगों को वोट लेके जीतेगा। जीत के करेगा क्या? वो सीधा जाएगा बीजेपी के गोद में। वो बिकाऊ है, बिकाऊ हो जाता है वो। इसीलिए मैं सभी मतदाताओं को ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया है। इस बार भी कांग्रेस की हाईकमांड ही बोला है कि हमारे पास जितना एमएलए ज्यादा हम जीतना चाहते हैं, क्योंकि कुछ एमएलए बिकाऊ होने वाले हैं बीजेपी को, उसमें बिकाऊ में फर्स्ट लिस्ट रेवु नायक का है, क्योंकि बीजेपी से आया वापिस बीजेपी को जाएंगे। जो भी लोग मोदी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं ना, वो आप कांग्रेस को मत डालिए। आम आदमी पार्टी आपके सामने है, आम आदमी पार्टी जो मोदी को टक्कर लेने वाला पार्टी, मोदी को एक अच्छा फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सवाल पूछने वाला कौन सा तो पार्टी है बोले तो, दैट इज द ओनली आम आदमी पार्टी। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, मनवी करता हूं, हाथ जोड़ के मनवी करता हूं कि रेवु नायक बड़मगी, कांग्रेस पार्टी, ये पूरे झूठे लोगों का जो गैंग है वो डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई भी आइडिया नहीं है ना विजन है। इसीलिए एक बार मौका हम जो आपके सेवा में आना चाहते हैं, ये आपको सोचना चाहिए और मौका देना चाहिए।